पिछले एक दो सालों से साउथ इंडियन मूवीज का ही बोलबाला इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रहा है। जिस प्रकार वो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी परंपराओं को, अपनी प्रथाओं को पॉजिटिव वे में दिखाते हैं, उस वजह से ऑडियंस का एक कनेक्शन हुआ है साउथ मूवीज की तरफ। यही रीजन है कि इंडियन कल्चर के ऊपर दो फिल्में बनी, एक तो कार्तिकेय टो जो की बहुत बड़ी हिट साबित हुई और दूसरी कांतारा। और कांतारा मूवी की चर्चा पूरे इंडिया में छाई हुई है। और इस फिल्म की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि ये फिल्म कन्नडा में होके भी इस फिल्म को अदर लैंग्वेज में डब करके रिलीज किया गया। अभी नजर डालते हैं इस फिल्म के स्टोरी के ऊपर। 18वीं शताब्दी में एक राजा है जिसके पास सब कुछ है लेकिन शांति सुकून कहीं गायब है। और शांति सुकून पाने के लिए वो हर जगह जाता है, हर साधुओं से मिलता है। सब कुछ करने के बाद उसको शांति और सुकून नहीं मिलता है तो वो जंगल की तरफ निकलता है। जब वो जंगल की तरफ निकलता है तो उसको एक पत्थर दिखाई देता है जिसमें देव है, और वो उस पत्थर को मांग लेता है। बदले में वो जंगल की सारी जमीन उन गांव वालों को दे देता है जो उस पत्थर को अपना भगवान मानते हैं। देव के आशीर्वाद से राजा को जो शांति सुकून चाहिए था वो मिल जाता है और गांव वालों को जमीन। एक कहानी है शिवा और गांव वालों की, जो अपने कल्चर परंपराओं को श्रद्धा से फॉलो करने वाले लोग है, और दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली जो इन परंपराओं को न समझने वाला है लेकिन उसका काम जंगल के जानवर और पेड़ों की रक्षा करना है। और किस तरह शिवा वर्सेस फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली और इनके ऊपर गांव वाले की परंपरा और उनकी श्रद्धा देव के प्रति, गांव वालों को जो जमीन राजा ने दान में दी थी वो जमीन कौन हड़पाना चाहता है, इन्हीं टॉपिक पर ये फिल्म बात करती है। अभी बात करते हैं इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। पहले तो स्क्रीन प्ले, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना एंगेजिंग है कि शुरुआत से लेकर आखिर तक थोड़ा सा भी बोर नहीं होंगे। शुरुआत से लेकर आखिर तक आप लोगों को कहीं पर भी नहीं लगेगा कि ये फिल्म ट्रैक से भटक रही है। बात करते हैं एक्टिंग के बारे में तो सभी एक्टर्स ने इस फिल्म में अच्छा काम किया है। अगर ऋषभ शेट्टी की बात करें तो क्लाइमैक्स में जो उन्होंने एक्टिंग की उसके लिए क्या बोले, शब्द ही कम है। बात करते हैं इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी के बारे में। जिस प्रकार से इस फिल्म को शूट किया गया है लाजवाब है, जबरदस्त है, बहुत ही उम्दा तरीके से इस फिल्म को शूट किया गया है। जिस प्रकार जंगल के शॉट हो या फाइट सीन के डायरेक्शन की बात करें तो जिस प्रकार का डायरेक्शन किया है ऋषभ शेट्टी ने, मतलब दो दो एक्टिंग भी की है और डायरेक्शन भी किया है, मतलब टॉप लेवल का है। और इस फिल्म को उन्होंने लिखा है तो डायरेक्शन में वो चीज तो अच्छे तरीके से दिखा ही सकते थे। और इस फिल्म की सबसे बड़ी बात, यह फिल्म हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। भारतीय लोग किस प्रकार से अपनी परंपराओं, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और भारतीय लोगों की अपने कल्चर के प्रति श्रद्धा कितनी है, इसी का एग्जांपल ये फिल्म है। और जो जनरेशन, जो मॉडर्न लोग इस चीज को नहीं मानते उनके लिए तो ये फिल्म एक लेसन ही होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।